रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 31वां दिन, पुतिन पर नाटो देशों की बैठक और प्रतिबंधों का कोई असर नहीं। रूस यूक्रेन जंग को एक महीना पूरा होने पर जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, का हमने रूसी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया, पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 100 किलोमीटर दूर थे बाइडेन। पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए जो बाइडेन, जवानों के साथ मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। पोलैंड दौरे पर अमेरिका ने रूस पर किया नए प्रतिबंधों का ऐलान, वाशिंगटन में दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों पर लगाया बैन। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिला न्यूयॉर्क का नैतिक समर्थन, अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो शहर के आसमान में लहराया यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज। कीव पर लगातार जारी रूस के हमले, एक और तेल डिपो को बनाया निशाना, चारों तरफ उठे धुएं के गुबार। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फौज के लगातार हमले, कई इमारतें और मार्केट तबाह, हर तरफ पसरा सन्नाटा। बर्दियांस्क एयरपोर्ट पर दिखी तबाही की तस्वीर, दूर तक दिखाई दे रहा धुआं, रूस लगातार दाग रहा मिसाइलें। बर्दियांस्क में यूक्रेन रूस के बीच भिड़ंत, एयरपोर्ट के पास खड़े जहाजों में आग, यूक्रेन ने रूसी जहाज पर दागी थी मिसाइल। रूसी हमले से दहला खार्की, हर तरफ भारी तबाही, हजारों लोगों से छीनी छत, मेट्रो स्टेट पर छिपकर डरे सहमे बैठे लोग। खार्किव में कई दिनों जारी रूस के हमले, आज भी ताबड़तोड़ हमला, जमीन और समंदर से दागी वैलेंस्टिक मिसाइलें। रूस की पहुंच से बाहर है कीव, कब्जे के लिए रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी, तबाह हुई इमारतें, चारों ओर दिखा मलबा और धुआं। मारियूपोल में भी रूस की बमबारी, हर तरफ दिखाई दिए तबाही के निशान, शहर में केवल मलबा, खंडर और आग। रूस यूक्रेन जंग में मारियूपोल के हालात खराब, खाने तक का संकट, सड़कों पर लोगों की कतारें, भूखे प्यासे रहकर काट रहे दिन। पूर्वी यूक्रेन के इजियम शहर पर रूस की बमबारी, कई जगह भारी नुकसान दिखाई दिया, बर्बादी की मंजर, सब कुछ इधर उधर। इजियम शहर पर रूस ने किया कब्जे का दावा, लगातार कर रहा बमबारी, तस्वीरें आई सामने, दिखाई दिया भयानक रूप। रूस की यूक्रेन पर घेराबंदी जारी, यूक्रेन के बॉर्डर के पास पोलैंड एयरपोर्ट पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें की तैनात, किसी भी समय कर सकता है हमला। यूक्रेन से लाखों लोगों का पलायन, पोलैंड में शरणार्थियों के आंखों में दिखे आंसू, साथ ही दिखाई दिया डर। रूस से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान, खबरों के मुताबिक जंग में मारे गए 1300 यूक्रेनी फौजी, करीब 977 आम नागरिकों की गई जान। यूक्रेन की ललकार से जेलेंस्की का नाटो को जवाब, हमारी सेना भी किसी से कम नहीं, साथ ही कहा हमारे साथ दूसरे देशों को भी खतरा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस 9 मई तक खींचना चाहता है जंग, इंटेलिजेंस ने दी खबर। रूसी सेना का बड़ा दावा, जंग के बीच मारियूपोल के नागरिकों को दे रहे खाना पानी, जंग यूक्रेन से आम नागरिकों से नहीं। रूस में भी पुतिन से नाराजगी, कई सहयोगियों ने दिया इस्तीफा, देश छोड़कर निकले बाहर, पुतिन से कहा पहले फैसले पर अडिग रहिए आप। रूस पर अमेरिका का एक और एक्शन, कई रक्षा कंपनियों पर लगाई पाबंदी, वहीं यूएन जनरल असेंबली ने की युद्ध बंद करने की अपील। नाटो की बैठक के बाद पोलैंड के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा रूस ने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया तो मिलेगा करारा जवाब।
नाटो की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस, जो करेंगे जवाबी कार्रवाई। नाटो की बैठक में पीएम जॉनसन का बड़ा बयान, यूक्रेन की मदद देने को लेकर जताई लाचारी, साथी कहा यूक्रेन को जेट और टैंक की 1% ही कर पा रहे मदद। पाकिस्तान में इमरान खान पर संकट के गहराए बादल, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस, 24 सांसदों की सरकार के खिलाफ वोट के संकेत। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार संभाली यूपी की कमान, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ली सीएम पद की शपथ। योगी के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे शामिल। योगी सरकार में 52 मंत्रियों ने ली शपथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, साथ ही मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। योगी सरकार में मुस्लिम चेहरा बने दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री के पद की ली शपथ, मोहसिन रजा की जगह मिला मौका। योगी मंत्रिमंडल में भी सहयोगियों को भी मिला मौका, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल बने मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी मिला मौका। यूपी राजभवन में रमापति शास्त्री ने ली टोटेम स्पीकर की शपथ, मौके पर सीएम योगी भी रहे मौजूद। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पहली बैठक को बताया परिचय का कार्यक्रम, कहा एक दूसरे से परिचित हुए सभी मंत्रीगण। केशव प्रसाद ने कहा मंत्रिपरिषद में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व, लोक कल्याण संकल्प पत्र के आधार पर आगे लेकर जाएंगे प्रदेश। कामकाज संभालते ही एक्शन में आई उत्तराखंड सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में ली कैबिनेट की पहली बैठक। सत्ता संभालने के बाद सीएम पुष्कर का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, बनाई जाएगी उच्च स्तरीय कमेटी। दुनिया में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने, करीब 41 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1685 से ज्यादा नए मरीज, 2000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, वहीं 83 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 21,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले केवल 111 मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 450 से ज्यादा, मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 139 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 4,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 59 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 500, वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के केवल 4 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, 32 एक्टिव केस, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में मिले कोरोना के 63 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 370 से ऊपर एक्टिव केस, मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 27 नए मामले, कुल मामले 2 लाख के पार, 205 एक्टिव केस, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 182 करोड़ के पार।
यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आईपीएस आरपीएफ जैसे पदों के लिए आवेदन की मिली अनुमति। छत्तीसगढ़ के लखनपुर में सरेआम शर्मिंदा हुई इंसानियत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 साल की मासूम की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। एम्बुलेंस न मिलने पर शव को कंधे पर रखकर पैदल लाते दिखे मृतका के पिता, मामले का वीडियो वायरल होने पर बोले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, कहा उपचार के बावजूद नहीं बचा सके जान। इसरो के तीसरे चंद्रयान के लॉन्च को लेकर बोले पूर्व इसरो प्रमुख के सिवान, कहा चंद्रयान 3 के अभियान को लेकर जल्द पुष्टि करेगा इसरो। इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के सफल होने को लेकर सिवान ने जताया विश्वास, वहीं इस मिशन के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का किया जाएगा इस्तेमाल। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग के मुताबिक अभी नहीं मिलेगी तपिश राहत, वहीं कई इलाकों में देखी जा सकती है तापमान में वृद्धि। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। हरियाणा में अगले 3 दिन तक तापमान में नहीं दिखेगा कोई बदलाव, वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा में 3 दिन बाद हीट वेव चलने की जताई संभावना। पहाड़ों की रानी शिमला पर भी पड़ा गर्मी का असर, मार्च महीने में पहाड़ों पर बढ़ते तापमान ने तोड़े कई सालों के रिकॉर्ड, साफ आसमान के साथ निकली चटक धूप। चंडीगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त ने ली पद की शपथ, सीएम मनोहर लाल ने दोनों अधिकारियों को दिलाई गोपनीयता की शपथ। हरियाणा निवास में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्य सचिव विजय वदन ने, रिटायर्ड आईएएस एसएस पुलिया ने ली शपथ। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव को लेकर हुई चर्चा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता रहे बैठक में मौजूद। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर आ रही परेशानियों पर हुआ मंथन, जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की सुनी गई समस्याएं। फतेहाबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की उठाई मांग, कहा बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम लोगों की कमर। सोनीपत में भी महंगाई को लेकर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, मिनी सचिवालय तक किया पैदल मार्च, महंगाई को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस में दिखाई दिया बिखराव, प्रदर्शन में नहीं पहुंचे कई विधायक, ज्यादातर महिला कार्यकर्ताओं ने जताया रोष। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, इलाके में निर्माणाधीन मुख्य मार्ग का काम जल्द खत्म करने की उठाई मांग। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ठेकेदारों पर उठाए सवाल, कहा जांच के घेरे में आना चाहिए, बार बार ठेकेदारों का बदल जाना। अंबाला स्थित अनाज मंडी की कमेटी ने शुरू की गेहूं खरीद की तैयारियां, 1 अप्रैल से मंडियों में शुरू होनी है गेहूं की खरीद। गेहूं की खरीद पर किसानों ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया, किसानों ने समर्थन में जताई खुशी, वहीं विरोध कर रहे किसानों ने सरकार पर जानबूझकर खरीद पहले शुरू करवाने का लगाया आरोप। मार्केटिंग बोर्ड के सचिव के मुताबिक हैफेड के जरिए की जाएगी खरीद, वहीं पोर्टल के जरिए फसल रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को दिया जाएगा गेट पास। रादौर में जनसुनवाई का हुआ आयोजन, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर हुई चर्चा, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से हुआ आयोजन।
जनसुनवाई में भारी संख्या में जुटे किसान। आयोजन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। जनसुनवाई में किसानों ने अधिकारियों के सामने रखी अपनी समस्याएं। वहीं अधिकारियों ने किसानों की मांगों को मंत्रालय के पास भेजने की कही बात। फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में हस्तशिल्प की धूप आकर्षण का केंद्र बनी बंचारी की नगाड़ा टीम। दर्शकों को थरकने को मजबूर कर रही नगाड़े की थाप। 2 साल के बाद सूरज कुंड मेला आयोजित होने पर खुश दिखी नगाड़ा टीम। सूरज कुंड की रौनक देखकर दुगना हुआ कलाकारों का जोश। कलानौर में एएसपी ने देर रात सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मुख्य बाजार और थाने का किया निरीक्षण। व्यापारियों और आमजन से जानी समस्या। हेमेंद्र मीणा ने व्यापारियों को पूरा सहयोग देने का दिया आश्वासन। व्यापारियों से की दुकानों में सीसीटीवी लगाने की अपील। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट पर लिया संज्ञान। थाना प्रभारी को दिए निर्देश। संबंधित विभाग को पत्र लिखकर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने पर दिया जोर। अंबाला में रोडवेज रिटायर कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। बसों में मुफ्त सफर बंद करने पर जताया विरोध। परिवहन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रिटायर कर्मचारियों ने बस में मुफ्त सफर बंद करने के हौसले को बताया निराशजनक। फैसला वापस नहीं लेने पर राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। सडौरा में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। साथ ही दुकानों के आगे रखा सामान किया जब्त। नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई से गुस्साए दुकानदार। नगर पालिका सचिव पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप। गुरुग्राम पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हथियार बनाकर दिल्ली एनसीआर समेत बाकी राज्यों में करते थे सप्लाई। गहनता से तफ्तीश करने में जुटी पुलिस। करनाल में सरकारी गाड़ी और स्कूटी की भिड़ंत पर मचा बवाल। चश्मदीद ने कार चालक पुलिसकर्मी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगाया आरोप। करनाल के एसपी के घर पर तैनात है आरोपित पुलिसकर्मी। काम से वापस आते वक्त स्कूटी सवार को मारी थी टक्कर। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायल स्कूटी चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी से जारी पूछताछ। रतिया के रिहायशी इलाके में लग रहे मोबाइल टावर का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। मोबाइल टावर से निकलने वाली घातक किरणों का दिया हवाला। मोबाइल टावर के खिलाफ लामबंद हुई महिलाओं के मुताबिक महिला मोबाइल टावर की वजह से लोगों में बीमारियां फैलने का डर। साथ ही उच्च अधिकारियों से की टावर के विस्थापन की मांग। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर अहाते में लगी भीषण आग। हादसे में एक सिलेंडर में भी हुआ धमाका। आगजनी की खबर पाकर मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। दमकल की 2 गाड़ियों ने समय रहते आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आगजनी का कारण। रोहतक में प्रदर्शन के दौरान चोरी हुई किसान की बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़ित किसान ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा वारदातों के दौरान मूक दर्शक बनी रहती है पुलिस। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने खुद को लगाई फांसी। युवती के परिजनों पर कथित रूप से यातनाएं देने का लगाया आरोप। खुदकुशी के मामले में हरियाणा पुलिस पर भी उठे सवाल। मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस को पहले भी दी गई थी मामले की पूरी जानकारी। सिरसा में बिल्ली की हत्या का मामला आया सामने। एनिमल एंड वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस के मुताबिक मृतक बिल्ली का किया गया पोस्टमार्टम। वहीं अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच जारी।
सिरसा में अज्ञात लोगों ने की थी बिल्ली की निर्मम हत्या, घटना को अंजाम देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी वीडियो। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सुविधाओं का अंबार, एक सिटी स्कैन आधुनिक एक्सरे मशीन का उद्घाटन, अब हर बेड पर मिलेगी ऑक्सीजन। कुल्लू के ढालपुर मैदान में डीसी ने किया विभागीय प्रदर्शनियों का निरीक्षण, सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ उठाने के लिए लोगों से की अपील। कुल्लू कार्निवल के दौरान ढालपुर मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का शुभारंभ, लोगों को मुफ्त में सहायता प्रदान करना है लक्ष्य। हमीरपुर में स्वर्ण समाज के लोगों की रिहाई के लिए 5 दिन का क्रमिक अनशन शुरू, सरकार को दी चेतावनी, सरकार ने हिरासत में लिए लोगों नहीं किया रिहा तो करेंगे आत्मदाह। चंपा पार्क बिलासपुर में देवभूमि स्वर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने दिया धरना, संगठन के गिरफ्तार 3 नेताओं को रिहा करने की है मांग। नालागढ़ एसडीएम परिसर के बाहर अनशन पर बैठे स्वर्ण आयोग के सदस्य, सरकार को दी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी तो 2022 के चुनाव में भरना पड़ेगा खामियाजा। बिलासपुर में आजाद हिंद क्रांति पार्टी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने एवं हिंदुत्व को कानून पारित करने के मुद्दे पर डीसी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। छितकुल पंचायत के पूर्व उप प्रधान का सरकार पर आरोप, सरकार ने पशुओं को नहीं उपलब्ध करवाया चारा, अप्रैल के बाद आती है पशुओं के चारे की दिक्कत। शक्तिपीठ मां नयना देवी में श्रद्धालुओं की सुविधा लिए टोवा से लेकर मंदिर तक विकसित किए जाएंगे 3 होल्डिंग एरिया, 5,000 लोगों की कैपेसिटी का एक होल्डिंग एरिया होगा विकसित। 4-लेन संघर्ष समिति नूरपुर ने शुक्रवार को अपनी मांगों के संदर्भ में एसडीएम नूरपुर को सौंपा ज्ञापन, जमीनों के उचित मुआवजे की उठाई मांग।